सहारनपुर में अपराध नियंत्रण और अपराधियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। एसपी सिटी राजेश कुमार के निर्देशन पर पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वाहनों की चेकिंग की। इस दौरान पुलिस ने अवैध तरीके से वाहन बेचने वाली गिरोह का पर्दाफाश किया और अभियुक्तों के पास से 6 बसें, फर्जी नंबर, ग्लेटर मशीन सहित काफी संख्या में उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही 3 अभियुक्त को पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। क्या कुछ खुलासा किया है? ये जनपद सहारनपुर की कुतुबशहर पुलिस ने एक बसों का, जो बसें सवारियां ढोती हैं सड़क पे, उनका एक बड़े फर्जीवाड़ा का खुलासा किया है। कुल ऐसी 6 अवैध बसें इन्होंने बरामद की है और एक गैंग इसके पीछे काम कर रहा था, जिसके 3 लोग इन्होंने गिरफ्तार किया है और 3 अभी गिरफ्तारी हेतु शेष है। इनका काम था कि एक ही नंबर पे कई बसें चलती थी, ये सरकार को कोई राजस्व नहीं दे रहे थे, कोई रोड टैक्स नहीं दे रहे थे, किसी भी गाड़ी का कोई ना तो परमिट है, ना रजिस्ट्रेशन है, ना फिटनेस है, ना पोल्यूशन का कोई सर्टिफिकेट है। इस तरह से पूरा फर्जीवाड़ा करके ये वाहन चला रहे थे और कमाई कर रहे थे। सर, क्या है, बसें सहारनपुर में चल रही थी या किसी और जनपद में चल रही थी? नहीं, ये तो अभी बसें सभी सहारनपुर की पाई गई, सहारनपुर के सिटी से विभिन्न देहात के एरिया में ये बसें जाती थी, उनको ये पकड़ा गया और गिरफ्तार, 3 लोग गिरफ्तार किए गए। सर, लगातार चेकिंग अभियान चलता है परिवहन विभाग की भी ओर से, तो सर परिवहन को विभाग को भी नहीं पता लग पाया कि 1 नंबर की 3 बसें चल रही है? इसमें ये चीज़ें परिवहन विभाग को भी बताई गई है, उनको भी संज्ञान में लेना चाहिए था और उन्होंने बताया कि आगे से हम इस तरह की सारी बसों को चेक करेंगे। सर, क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है जो अभियुक्त पकड़े गए? अभी तो ये पहली बार ही पकड़े गए हैं और इनके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है और इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई सदस्य इनके जो गिरफ्तारी से रह गए हों? अभी 3 सदस्य इनके बच्चे हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास हो रहे हैं, शीघ्र गिरफ्तार किए जाएंगे। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। Life24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170।